न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभु जी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। मोदी मोदी हाय हाय, मोदी मोदी हाय हाय, मोदी मोदी हाय हाय। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। अभी अभी आपने जो वीडियो देखी, उस वीडियो में किसानों ने रोड जाम किया हुआ था जो जीवन नगर से एलनाबाद की ओर जाता है। ये रोड जाम क्यों किया हुआ था वो मैं आपको बता दूं कि ये जीवन नगर से करीवाला होते हुए ये जो बनी तक जो रोड जाती है, इस रोड का निर्माण जो है वो अधर में लटका हुआ है। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे अभी यहाँ पे जब हमने आसपास के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि जब उन्होंने ये रोड जाम किया, प्रशासन पूरा आया, उसके बाद इस पे काम जो है वो शुरू हुआ है, लेकिन ये रोड जो है अब तक बनने में नहीं आ रहा। ऐसा कैसा ये रोड बनाया जा रहा है कि एक साल से लगातार इस रोड को बनाए जा रहे हैं और अब तक रोड जो है ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर बात करूँ तो 20 से 30 किलोमीटर के लगभग ये इस रोड का निर्माण होना है जीवन नगर से लेकर के और बनी गाँव तक। ये यहाँ पे तो हालात फिर भी कुछ ठीक दिखाई दे रहे हैं हमें, यहाँ पे पत्थर जमाया हुआ है। एक जगह और मैं आपको ले चलता हूँ, वहाँ के हालात देखते हैं क्या कुछ हैं। चलिए, एक तस्वीर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये जो संत नगर से जब हम दमदमा की तरफ जाते हैं, करीवाला और संत नगर के बीच में जो गांव है, जो ये इलाका है, जो रोड है, न्यू एरा कॉलेज है यहाँ पे, एक न्यू एरा कॉलेज के पास ये एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस कदर इस रोड के हालत ख़राब हैं। यहाँ से अगर बात करूँ तो कोई व्हीकल जो है वो अपना टायर लाने की कोशिश नहीं करता, दूसरी साइड से ही निकलते हैं। अभी पीछे एक गाड़ी आ रही है, मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। ये जो गाड़ी निकलती है तो कितनी मुश्किल यहाँ पे इन लोगों को होती है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गाड़ी बिल्कुल स्लो स्पीड में करके ले जानी पड़ती है। अब ऐसे में लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो ये पत्थर हैं, जब गाड़ी निकलती है तो गाड़ी के टायर के नीचे से पत्थर जो एकदम स्पीड से निकलता है, जिससे कि पास खड़े हुए या पास से गुजर रहे लोगों को काफ़ी नुकसान हो सकता है और हुआ भी है। ऐसे में एक दो लोगों के चोट भी लगी है और बताया जा रहा है कि मौत भी इस सड़क पे हुई है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पत्थर यहाँ पे ऊपर पड़ा हुआ है। बाकी अगर रोड की बात करूँ तो पत्थर जो है वहाँ पे जमा हुआ है, लेकिन यहाँ से पत्थर किस कदर उखड़ा हुआ है, तमाम जो आने जाने वाले लोग हैं उनको कितनी मुसीबतों का सामना जो है यहाँ से निकलते वक्त करना पड़ता होगा, वो समस्याओं से दो चार हो रहे हैं लोग जो है। तो इसी को लेकर के आज जीवन नगर के अंदर जो है रोड जाम यहाँ के लोगों ने किया। चलिए, रोड जाम की क्या कुछ तस्वीरें हैं और क्या वहाँ पे जो रोड जाम करने वाले लोग हैं वो कहते हैं वो जानते हैं। मोदी मोदी हाय हाय, मोदी मोदी हाय हाय, मोदी मोदी हाय हाय। निशार एसी साहब से भी टाइमली निकल गया था, हेड ऑफ चंडीगढ़ से चीफ साहब से भी टाइमली हो लिया था, उसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है हमारे उनसे भी टाइमली हो लिया था, उसके बाद डिप्टी सीएम महोदय हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं उनसे भी हो लिया था, उसके बाद सीएम से भी अप्रूव हो चुका है। उसके बाद एक प्रक्रिया आप ये जो जब से कोविड वाली है, हमारे जो है ना ये जो एस्टिमेट फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी जो फंड्स की जो प्रक्रिया है उससे यस होनी जरूरी होती है सर। उस वजह से ये काम तो देखो हमने चालू कर दिया था पहले, वो थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन वो भी टीवी इन प्रसाद जी से परसों जो एसीएस फाइनेंस है उनसे बात हो चुकी है, वो भी यस हो चुका है। अब टाउन में फाइल चल रही है, आपका कार्य हमने कल ही जब वो यस हो गई है वहाँ से परसों फाइल, तो कल ही रोलर रवाना कर दिया था, आपने देखा होगा, मैंने अभी पहुँच रहा हूँ, मेरे पास फोटो आ चुके हैं, तो आपका काम शुरू हो चुका है। तो इसलिए आप कोई अब जब आपका काम शुरू ही हो गया है तो इसको हम जल्दी से जल्दी निपटाएंगे, आपको 10 दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा।
इत्थे जीवन नगर तो लैके वणी तक जिहड़ी सड़क आ ते बहुत ही इहदी खस्ता हाल आ। पिछले लंबे समय तो मतलब इत्थे कई हादसे हो चुके ने, जिवें कई बजुर्ग ने नौजवान तक जिहड़े आ रोड़े इन्ने ज़्यादा ने भी कई मतलब बहुत भयंकर हादसे भी होए ने, बड़ा मुश्किल नाल जिन्हां दी जान बचाई गई। तो इहदे बारे कई बार अधिकारियों नूं मंत्रियों नूं मंग पत्र भी दित्ते गए ने, सूचना दी गई कि इहदा कोई हीला करो, पर किते कोई सुनवाई नहीं हो रही लंबे समय तो। मतलब थले रोह लगातार लोगों से जिहड़ा वाधा जा रहा, उहदा इह नतीजा है कि अज इत्थे मतलब अपने अलग अलग पिंडां दे विच्चों पंचायतां ने होर जिहड़ियां जनतक जथेबंदियां ने उन्हां सारिआं रल के इत्थे सड़क जाम कीती है। तो सरकार तक किसी ने बचाया कि जे इनू सही एक सीमित समा दे के साड़ी सड़क नहीं पू बनाई जाती तो ये आने वाले समय से वड्डे अंदोलन की इन्हों जो सामना करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग किसानों ने दूजा असी भी मैं नौजवान भारत सभा असी सरकार तक नौजवान भारत सभा वालों भी यह स्नेहा पहुँचा चाहते हैं कि इतों का जिवें चौधरी रणजीत सिंह है मंत्री, लोगों ने वोटा उन्होंने इस करके नहीं पाइया कि जाके किसी होर की बुक्कल बह जाए, लोगों ने इस करके पाइया कि लोगों की भी कोई इतने गल सुनना आ कि उन्होंने कोई बात जानन, इस करके उन्हां तक तुहाडे चैनल के माध्यम राही के हरियाणा राही ये पहुँचाना चाहते हैं असी गल कि इत्थे जिहड़ी लोगों की पीड़ है उन्हूं आके सुन। जदों दे इलैक्शन होए आ कोई इत्थे बौड़िया नहीं गा, लॉकडाउन दे विच लोगों नूं इन्नी ज़्यादा समस्या रही, सड़क वक्री टुट्टी सी, होर समस्यावां वक्रियां सी, कोई लीडर आके नहीं इत्थे बौड़िया, इस करके लोगों का जिहड़ा गुस्सा आ उहदा अज ते इक इन्हां नूं सिंबोलिक रूप वेखण च मिलिया आ। जे इन्हां ने कोई इहदे ते सुनवाई ना की तो आने वाले समय दे विच वड्डा जिहड़ा आ लोक रोह वेखण नूं इन्हां नूं मिलेगा। तो यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग थे उनका साफ तौर पे कहना है कि इस रोड को बनते हुए लगभग एक साल का समय हो चुका है लेकिन अब तक ये रोड जो है वो नहीं बन पाई है। इससे संबंधित मैंने भी 2 से 3 खबरें आपको दिखाई थी कि इसकी जो है कोई सुध नहीं ली जा रही। एक बार काम चला दिया जाता है खबर लगती है, तमाम अखबारों में भी खबर लगी थी। खबर लगने के बाद एक बार काम चला दिया जाता है लेकिन उसके बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ऐसे में आज जब किसानों ने धरना प्रदर्शन किया तो भी एक बार इसका जो काम है वो चलाया गया, शुरू किया गया है। मैंने आपको इससे पहले तस्वीरें दिखाई थी कि ठेकेदार जो है उनका ट्रक और जो सामान है वो यहाँ पे आया हुआ था, काम शुरू करवा दिया गया। लेकिन इसके कुछ दिन बाद की अगर तस्वीर मैं आपको एक और दिखाऊंगा उस समय भी देखेंगे कि क्या ये काम जो चल रहा है वो निरंतर चल रहा है या फिर ठेकेदार केवल मात्र इन आक्रोशित लोगों को शांत करने के लिए और प्रशासन को दिखाने के लिए एक बार यहाँ पे लेबर और अपना सामान लेकर के आया कि इस पे काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के कहूँ तो लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह से ढीले बस्ते में इसको सरकार ने डाला या प्रशासन ने डाला तो आने वाले समय में वो और ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये तो केवल मात्र एक ट्रेलर था, जब फिल्म दिखाई जाएगी तो इसका अंजाम जो है वो कुछ और होगा। खैर आने वाले वक्त में प्रशासन क्या इस पर संज्ञान लेता है वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।